सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है प्रियांशु नौटियाल और स्वागत करता हूँ आपका उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, इन खूबसूरत वादियों से। आइए स्वागत करते हैं एक और नए ब्लॉग की। और फिलहाल सुबह का वक्त हो रहा है 9:30 का और मेरे हाथ में ये थैली है जिसमें कि मैंने रोटी और सब्जी रखी हुई है। और इस वक्त मैं जा रहा हूँ अपने खेत के पास जहाँ पे मम्मी पापा हमसे पहले जा चुके हैं। तो चलते हैं वहाँ पे और उनको ये खाना दे के आते हैं। उसके बाद आपने थंबनेल और टाइटल तो वैसे भी देख लिया होगा क्या स्पेशल है। तो आज का ब्लॉग पूरा ज़रूर देखना क्योंकि काफ़ी मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें। चलो चलते हैं। सो गाइस, फिलहाल मैं पहुँचने वाला हूँ अपने खेत में और आप देख सकते हैं सामने खेत में मम्मी पापा। तो फाइनली मैं खेत में आ चुका हूँ यहाँ पे पीछे। और फिलहाल मैं अपना ब्लॉग देख रहा हूँ पापा के फोन में। तो फिलहाल खेत में बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। आते हैं तो स्वागत है आप लोगों का। हम तो किसान लोग हैं और आजकल काम का सीजन है। हम तन मन धन से काम पे लगे हैं और अभी नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता भी 9:30 का टाइम है लेकिन हमें नाश्ता करने का भी टाइम समय पे नहीं मिलता, इतनी बिजी चल रहा है आजकल। टाइम क्या हो रहा है अभी? 10:00। हाँ, 10:00 नाश्ता चल रहा है। तो फिलहाल पापा जी लेके जा रहे हैं इस वक्त ये दाल की भारी। और आजकल हर कोई लगा हुआ है अपने कामों में। तो फिलहाल माँ ने लगा दी है मेरे पास ये वाली भारी, तो करते हैं इसको। तो फिलहाल दीदी जी आ चुकी हैं अपने ससुराल से मायके की तरफ। तो कैसा रहा आपका सफर? हाय, बहुत बढ़िया। फिलहाल मैं हूँ चाचा लोगों के घर में और यहाँ चाचा जी लेटे हुए लंबे। अब मैं कर रहा हूँ सेवा परमो धर्म और दीदी भी है साथ में और हमारे नैतिक गुरु भी है साथ में। सो गाइस, मेरा भाई कर रहा है अभी चाचा जी के पैरों की मालिश। और भाई दे ली, और भाई दे लो, बोल मेरा नरेश नहीं है वो पैसों के लालच के कर रहा है कि चाचा पैसे देंगे। मैं भी तो रात में हूं, रात में सर मांगो है। अरे रात को 8:00 भयंकर सिस्टम है प्रोग्राम में तगड़ा। इरा नरेश नो नो रात ले कुल दीवार जितना रिंदर ने भी मार तो ठेल। अरे कुलदीप शर्मा ने बड़ा असली प्रोग्राम। बैठी हुई हैं दादी जी, दीदी लोग और अपन लोग पी रहे हैं इस वक्त चाय। सो गाइस, फिलहाल वक्त हो रहा है शाम का और इस वक्त मम्मी हमें ले आई है घास काटने के लिए इसमें। तो फिलहाल मैं तो नहीं काटूंगा, दीदी लोग काटेंगे और मम्मी लोग काटेंगे, तो मेरी बस की तो है नहीं। तो फिलहाल मैं इनकी वीडियो बनाऊंगा और वायरल करूंगा सोशल मीडिया पे। और आप थोड़ा आसमान में देख सकते हैं कितने खूबसूरत से बादल इस वक्त दिख रहे हैं, नीला आसमान और सफेद सफेद बादल। और यहाँ पे मेरी बहन काट रही है इस वक्त घास। दीदी हाय कर दो। तो फिलहाल माँ जी काट रही हैं यहाँ पे घास और दीदी अपनी सुंदरता का बखान कर रही हैं यहाँ पे। और इस पे लग चुका है इस वक्त ये, और ये इन्हें हमारे लैंग्वेज में कहते हैं कुमरे। और हिंदी मम्मी हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? कुमरे बोल दो ना। दिस इज कुमरा, हिंदी में पता नहीं क्या वो। सही बात यार। तो फिलहाल इस पौधे की हम लोग बात कर रहे थे कि इसे हमारी लोकल लैंग्वेज में हम लोग इसको कुमरा कहते हैं, बट पर हमें इसका हिंदी नाम नहीं पता, शायद इसे कुमरा ही बोलते होंगे क्योंकि कुमरे कुमरा कुछ भी। तो फिलहाल जो भी है हमें क्या मतलब। फिलहाल मम्मी जी कर रही हैं यहाँ पे इस वक्त गाय के लिए थोड़ा घास निकाल दी हैं। और आज मैं बड़कोट नहीं गया, आप लोग सोच रहे होंगे कि सो गाइस आज मैं बड़कोट नहीं गया मेले में, तो मैं आपको आज की अपडेट नहीं दे सकता मेले की, बट आपको मैं कल दूंगा अपडेट। और कल का जो ब्लॉग होगा वो तो भाई अमेजिंग होगा, अमेजिंग। बिकॉज कल आ रहे हैं नाटी किंग यानी कि कुलदीप शर्मा रात के 8:00, तो शायद मैं कल बड़कोट में रात को भी रुकूंगा। मेरा तो फोर्स श्योर है कि मैं जाऊंगा ही जाऊंगा चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि भाई कुलदीप शर्मा इज ऑलवेज ओपी। हाँ, और आपको मैं मेरी मम्मी कह रही है कि उसकी अच्छी अच्छी वीडियो बना के आप लोगों तक पहुँचाए। तो सही बात, मेरा यही काम रहेगा कल कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना के कुलदीप शर्मा सर की एकदम बिल्कुल लाइव कवरेज आपको बताऊंगा कि वो क्या मतलब उनकी कैसी धासु परफॉर्मेंस होने वाली है कल। तो बने रहिएगा। और फिलहाल आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। भाई क्या करें, घर में कुछ कंटेन ही नहीं है और साथ ही साथ घर में इतना सारा काम है यही सब। तो आप लोग सोच रहे होंगे घर में यही सब दिखा रहा था आजकल, तो आजकल मेरे पास कंटेन मिला है, मेला मिला। तो फिलहाल मेला दिखाते हैं आप लोगों को। फिलहाल हमारे इस खेत में हो रखी है आप देख सकते हैं यहाँ पे तोर। तो अब कुछ टाइम बाद हम लोग फिलहाल हम लोग इसको भी काटेंगे और घर लेके जाएंगे और सुखाने के बाद फिर इसकी दाल जो बनेगी
और इसकी जो दाल होती है वो काफी महंगी बिकती है। सो गाइस जो इसकी दाल होती है ये तूर की दाल, तो ये काफी महंगी बिकती है, लाइक 150-200 किलो के आसपास ही। सो गाइस आप देख सकते हैं ये पहाड़ी दाल तूर, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। और आजकल गांव में ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोग आते हैं बाहर से और वो इन दालों को खरीदते हैं और बाहर बड़ी कीमतों पर उन्हें बेचते हैं। तो अगर आप लोगों को चाहिए होगी पहाड़ की दालें, कुछ भी तूर हो गई, सूटे हो गई इत्यादि, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, भाई लोग कर दो यार, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर दीजिए और आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। और ये भी बताइए कि आपको किस तरीके के ब्लॉग देखना पसंद है। फिलहाल पापा जी आ चुके हैं मेले से और पापा से पूछते हैं किस तरीके से रहा मेला। मेला बहुत जबरदस्त है, काफी भीड़ भटका है, काफी सामान है, बस पैसा फूको तमाशा देखो क्या बाजार करो ना। सही बात। और फिलहाल मम्मी और दीदी भी आ चुकी हैं घास काट के और सब बैठे हुए हैं। आपको पूरी आज़ादी है तो इसे हम लोग कभी बांधते नहीं है, आजकल ये घर पे ही घूमता है इधर। तो फिलहाल पापा जी लाए थे घर में चाउमीन, खाते हैं चाउमीन मस्त करके। फिलहाल पापा जी लाए थे चाउमीन घर में और अब हम लोग सब मिल बांट के खाने वाले हैं इसे। तो पहाड़ों में कुछ इस तरीके से होता है काम, अंधेरे में भी। और मैं बना के लाया हूँ चाय। पापा चाय पिला दे, दूध को नहीं दीदी ने, और दीदी यहाँ पे हैं और मम्मी जी भी लगी हुई हैं अपने काम में। मम्मी जी चाय पी लो आप। सो गाइस पहाड़ों में कुछ इस तरीके से होता है, आप देख सकते हैं शाम के टाइम भी काम होता है, रात को भी काम करते हैं। मम्मी चाय, और मैं लाया हूँ अभी चाय बना के।